फ्लैश न्यूज की सारी खबरें आप तक। बांग्लादेशी दो युवकों के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के चक्कर में तीन आरोपियों को शकरपुर थाने की टीम ने गिरफ्तार किया। पूर्वी दिल्ली जिला के एडिशनल डीसीपी अश्विन गर्ग ने बताया कि 18 अक्टूबर की तड़के सुबह 1 बजे शकरपुर थाने को बांग्लादेशी नागरिकों के साथ हुए दुष्कर्म के संबंध में एक PCR कॉल प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों युवकों ने पुलिस को सारी घटना बताई। कहा समलैंगिक डेटिंग ऐप के माध्यम से एक अज्ञात लड़के संपर्क में आए थे, जिसके बाद एक पार्क में टोटल 5 लोग गए थे और 3 लड़कों ने जबरन उनके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद मामला दर्ज किया था, जिसकी प्राथमिक संख्या नंबर 788/23, धारा 323, 370/34 IPC के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, क्योंकि इसमें मामले में 2 विदेशी नागरिक पीड़ित थे, जो कि शकरपुर थाने की 20 पुलिसकर्मियों की एक मजबूत टीम गठित की गई थी, जिसने रात से ही अपना काम शुरू कर दिया था। चूँकि पीड़ितों को न तो किसी आरोपी व्यक्ति की पहचान पता थी और न ही उनके पास कोई संपर्क विवरण था, इसलिए व्यवहारिक रूप से मामला अंधा था। टीम ने शुरुआत की तो आसपास के 50 CCTV कैमरों के फुटेज चेक की और उसके बाद LGBT समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति के बारे में मानवीय संकेत भी विकसित की गई। पीड़ितों से संदिग्धों का विवरण लिया गया और क्षेत्र में रहने वाले LGBT समुदाय के लड़कों के बारे में मानव संकेत के माध्यम से प्राप्त की गई, जिसके बाद 12 घंटे के अंदर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान देवाशीष वर्मा उम्र 20 वर्ष निवासी शकरपुर का है, दूसरा सुरजीत उम्र 21 वर्ष शकरपुर का रहने वाला है, तीसरा आर्यन और गोलू इसकी उम्र 20 वर्ष है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने अपना अपराध कबूल किया है। इन तीनों से पूछताछ जारी है।